अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो का टाइटल पढ़ के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग चिकन मोमोज़ बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, चिकन मोमोज़ बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। बोनलेस चिकन, मैदा, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा, विनेगर, नमक, तेल, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, बेकिंग सोडा। अब हम लोग मैदा का एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। उसमें हम लोग फर्स्ट ऐड कर देंगे नमक, उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। तो बोलता हूँ, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो पाई का दिन के लिए देखा गया था चपाटा। अब हमारा डो तैयार है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑयल डाल के इसको 15 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग मोमो के स्टफिंग को रेडी कर लेंगे। अब हम लोग एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम लोग चिकन का कीमा बना लेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन का एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार है। अब इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। फर्स्ट इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्याज, फिर इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, हरा मिर्चा, लहसुन, अब इसमें ऐड कर देंगे नमक, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर, विनेगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा 1 पिंच। अब हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा स्टफिंग तैयार है। तो 15 मिनट हो चुका है, हमारा डो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसको स्टफिंग कर लेते हैं। इसको हमने रोटी के शेप में बेल दिया है, अब इसको हम लोग पूरी के शेप में काट लेंगे। अब थोड़ा सा इसको पतला करके बेल लेंगे। अब थोड़े से स्टफिंग को इसके बीच में रख देंगे हम लोग। उसके बाद इसके चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए।
अब इसको प्लीट प्लीट करके फोल्ड करके मोमो का शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम लोग एक एक करके सब मोमो को तैयार कर लेंगे। तो हमने इसी तरीके से सारे मोमो को रेडी कर लिया है। अब मोमोज को स्टीम कर लेंगे। इस तरीके का हम लोग एक स्टीमर ले लेंगे और इसके चारों तरफ हम लोग ऑयल लगा देंगे। हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हम लोगों ने इस तरीके का एक बर्तन ले लिया है जिसमें ये छोटे छोटे होल हैं, तो इससे भी स्टीमर का काम हो जाएगा। अब हम लोग मोमोज को इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे ताकि मोमो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। तो चलिए अब इसको स्टीम कर लेते हैं। हमने इस तरीके का एक पतीला ले लिया है, उसमें हम लोग पानी दे देंगे और मोमोज के प्लेट को इसके ऊपर बिठा के अच्छे से इसको लिड से कवर कर देंगे और इसको इसी तरीके से हम लोग 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग लिड को ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग कि मोमो अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो तैयार है हमारा गरम गरम चिकन मोमो। इसको हमने ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। आप इस डिश को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।